नमस्ते दोस्तों, देसी दिल्ली चैनल पे आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ ऐसी रेसिपी जो आपने अभी तक बनाकर नहीं खाई होंगी, और ये बहुत ही डिलीशियस है, लजीज है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो यहाँ पे हमने सेवई लिए हैं जो ये पहले से रोस्ट किया हुआ है, और ये बिना रोस्ट किया हुआ है। जो आपके पास है आप उससे बना सकते हैं, तो मैं रोस्ट किया हुआ है उसी से बना रही हूँ। अगर आपके पास ये है तो आप इसे रोस्ट कर लें। इसे मुझे तब भी रोस्ट करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें जो घी का फ्लेवर आएगा, दोबारा से जब इसे रोस्ट करेंगे तो उसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम दोबारा से घी में फ्राई करेंगे। वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। तो शुरू करते हैं ये रेसिपी। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर 1.5 कप सेवैयाँ लिए हैं। आप चाहे तो दूध के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, क्योंकि मेरा यहाँ पे 1.5 किलो दूध है, तो हमने 1 कप और थोड़ा सा लिया है ये सेवई। अब इसे हम कढ़ाई में रोस्ट करने चलते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे 1 कढ़ाई चढ़ा दी है, वो गर्म हो चुका है, और उसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी। ये देखिए, पहले मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ क्योंकि हमें ड्राई फ्रूट भूनना है। तो ये कढ़ाई गर्म है, इसमें डाल देंगे बादाम। मैं अभी काट नहीं रही हूँ, मैं ऐसे ही भून रही हूँ। आप चाहे तो काट करके भून सकते हैं, मैं भूनने के बाद काटूँगी। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें, तेज़ बिल्कुल नहीं करना है। ये देखिए, एक मिनट हो चुका है, उसमें डाल देंगे थोड़ा सा पिस्ता, थोड़ा सा मुनक्का और थोड़ा सा ये किशमिश, थोड़ा सा ये किशमिश डाल देते हैं। ये देखिए, और मेरे पास जो काजू है वो छोटे छोटे बारीक पीस में भी कटे हैं, मैं वो डाल दे रही हूँ। थोड़ी सी इसी के साथ भुन जाएगा तो टेस्ट अच्छा लगेगा। ये बारीक थोड़ी है, ये देखिए। तो टोटल हमें इसे 2 मिनट लो फ्लेम पे भून लेना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। इसमें से 2 मिनट में वैसे भी बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगती है, और 2 मिनट इसलिए कि सब कुछ जो किशमिश है, मुनक्खा है और पिस्ता है, बादाम है, सब अच्छे से भुन जाए। ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा अच्छे से भुन चुका है। यहाँ पे गैस का फ्लेम बिल्कुल धीरे है, मैं बार बार टच करके देख रही हूँ कि कहीं तेज़ तो ना है। तो ये देखिए, अब हम इस स्टेज पर हम निकाल देंगे। आप चाहो तो इस तरह से जो भी ऑयल है, घी, वो निकल जाए। तो हम इसी तरह से सबको निकाल देंगे। तो ये देखें, उसी कढ़ाई में हम दोबारा डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच ये घी। ये घी मेरा है, जो घर में निकाला है वही घी है। ये देखिए, हमने 1 चम्मच डाल दिया घी। अब इसमें हम डाल देंगे ये रोस्ट किया हुआ पहले से सेवई, लेकिन हम दोबारा इसे रोस्ट कर रहे हैं ताकि इसमें खुशबू बहुत अच्छी आ जाए। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम कर दें। अब इसे लगातार चलाते रहें, इसे छोड़े बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी लग जाता है। इसे 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए, 3 मिनट हो चुके हैं और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे, क्योंकि अभी कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आप इसे छोड़े बिल्कुल भी नहीं तो ये
लग जाएगा और काला हो जाएगा, तो इसलिए कम से कम एक मिनट और लगातार चलाते रहें गैस बंद करने के बाद। तो ये देखिए हमने एक मिनट पूरे चला दिए, अब मेरा गैस जो गैस का जो कढ़ाई का तापमान है वो कम हो गया, तो अब हम इसे छोड़ सकते हैं। अब इसे हम गैस से उतार देते हैं और ये देखिए ये दूध लिया मैंने, ये रात का दूध है, आप चाहे तो सुबह का दूध भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई सा भी दूध यूज कर सकते हैं। तो ये एक दूसरे चूल्हे पे गर्म हो रहा था, देखिए इसमें एक उबाल आने भी लगा है, ये देखिए। तो ये हमारा 1.5 किलो दूध है, हमने इसमें 1 कप और थोड़ा सा 1 मुट्ठी लिया से भाई, तो इसमें बहुत अच्छे से बन जाएंगे और बहुत ही अच्छा बनकर तैयार बनो। तो ये देखिए ये दूध अच्छे से उबल चुका है, क्योंकि ये दूध जो मैंने 5 मिनट ज़्यादा खोला है ताकि अच्छे से ये हल्का थोड़ा गाढ़ा हो जाए, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं मतलब 4 से 5 बॉयल अच्छे से कर दिया है। अब इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे, चाहे तो आप इसी में भी बना सकते हैं, मैं इसी कढ़ाई में बनाऊँगी जिसमें सेवैयाँ भुनी हैं। ये देखिए दोस्तों हम इसी में इसको ट्रांसफ़र कर, लेकिन ट्रांसफ़र करने के टाइम में कढ़ाई का तापमान कम होना चाहिए। दूध को जब आप धीरे धीरे डालेंगे तो ये बाहर नहीं आएंगे, आराम से इसमें डल जाएंगे। ये देखिए हमने सारा दूध ट्रांसफ़र कर दिया, अब गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे लेकिन चलाते रहेंगे बीच बीच में, लेकिन अभी शुरू में इसे अच्छे से मिला दे, क्योंकि दो दूध डालते समय में सेवैयाँ एक दूसरे में चिपक जाती हैं। तो आप कम से कम लगातार 1 मिनट चला दें ताकि जितनी भी सेवैयाँ एक दूसरे में चिपकी हुई है वो अलग हो जाए। तो ये देखिए इसमें उबाल आने लग गए, अब ये बिल्कुल अलग अलग हो चुकी हैं सारी, अब इस दूध में अच्छे से इसे पकने देते हैं। पकने में जो टाइम लग जाए 20 मिनट लग जाए 30 मिनट लग जाए और आगे का प्रोसेस शुरू कर देते हैं जब तक ये पक रहा है। अब ये देखिए हमने यहाँ पे 3 आम लिए हैं, यहाँ पे आप मालदा आम भी ले सकते हैं, दशहरी भी ले सकते हैं, या जो हम सेक बनाते हैं वो भी आम ले सकते हैं, जो आपके पास आम है वो आम से इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 आम लिए हैं, इस आम को हम या तो इस तरह से कट लगा लेंगे, आप चाहे तो पीलर से छील कर भी इसे बना सकते हैं, या फिर इस तरह से कट कर ले और इस तरह से इसमें और कट लगा दे। और इसे चम्मच की सहायता से इस तरह से निकाल ले, ये देखे इस तरह से। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से कर लेंगे, ये मुझे ज़्यादा आसान लगता है इसलिए मैं इसी तरह से आम को काट कर बनाती हूँ जब मुझे रेसिपी बनानी होती है। ये देखिए तो हम आम को इसी तरह से सबको कट लगा देंगे। अब ये देखिए हमने इस तरह से चम्मच से निकाल लिया और एक को चाकू से काट लिया। जो चम्मच से निकालना है इसे हम मिक्सी के जार में डालकर इसे थोड़ा सा ग्राइंड कर देंगे, इसको हम पीस लेते हैं थोड़ी, बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है, ठीक है बस 1 से 2 बार चला दें, उससे ज़्यादा नहीं। ये देखिए हमने इस तरह से 2 बार चलाया, बस 1-1, 2-2 सेकेंड के लिए चलाया, ज़्यादा नहीं चलाया, मतलब इसे हम 5 से 6 सेकंड एक बार में चलाया, दूसरी बार में भी इतना ही चलाया। देखिए इसका बिल्कुल तैयार है।
अगर थोड़ी बहुत आपको लग रहा है गुठली है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ये अच्छे से पेस्ट होता है। अगर आपको लग रहा है तो आप थोड़ा बारीक कर सकते हैं, मैं इतना ही रखूँगी। अब देखिए हम आपको आगे रेसिपी की ओर ले जा रहे हैं, जहाँ मैंने सेवैयाँ दूध में डाली हुई हैं। इसे एसेंस देने के लिए 4 से 5 इलायची का पाउडर डाल दें, मैं यहाँ पे 4 से 5 डाल देंगे और इसे हम कूट लेंगे अच्छे से और इसको दूध में डाल देंगे। इधर जितनी देर में हमने आम काटा है पीसा है उतनी देर में ये अच्छे से सीख चुका है, लेकिन इसे मुझे थोड़ा सा और गाढ़ा करना है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे इलायची का पाउडर, चाहे तो आप इसमें केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं या फिर गुलाब जल भी डाल सकते हैं, लेकिन इलायची का खुशबू और अच्छा लगता है। उसके बाद आपको जो डालने का मन करे केवड़ा या फिर गुलाब जल कुछ भी डाल सकते हैं आप। ये देखिए खूब अच्छे से उबल चुका और दूध पहले से थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है, तो इसमें हम डाल देंगे इलायची पाउडर और इसे अच्छे से मिला देंगे। अब यहीं पे डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी, जितना आप चीनी खाना पसंद करते हैं, मतलब मीठा जैसा आपको पसंद हो उसी हिसाब से आप चीनी डालें। तो मैं यहाँ पे धागे वाली मिश्री को क्रश किया है, मैं वही डाल रही हूँ, आप कुछ भी डाल सकते हैं चीनी या फिर धागे वाली मिश्री। तो मैं यहाँ पर 1/3 कप डाल रही हूँ धागे वाली मिश्री को, इस तरह से तोड़ दिया और मैं डाल रही हूँ क्योंकि ये अच्छे से गल जाए। जितनी देर में ये सेवई बनेंगे उतनी देर में ये गल जाएंगे। तो मैंने मीठा इतना ही रखा, आप अपने हिसाब से रख लेंगे। इसे अब हम 4 से 5 मिनट और पका लेंगे ये चीनी के साथ ही, तब तक ये थोड़ा और गाढ़ा भी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम मीडियम रखा है, शुरू से ही मैंने इसका फ्लेम मीडियम ही रखा है। अब जो ये ड्राई फ्रूट हमने भुनी थी आप चाहे तो उसको चूर सकते हैं या फिर ऐसे ही डाल दें। तो मैं सिर्फ बादाम को हल्का हल्का चूर दूँगी। तो ये देखिए ये 5 मिनट हो चुका है पकते हुए, अब इसमें हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट और इसके अंदर जो हमने धागे वाली मिश्री डाली थी वो भी अच्छे से गल चुका है, अब इसमें वो उसका दाना नहीं दिख रहा है। तो ये हमारा बिल्कुल धागे वाली मिश्री गल चुकी है, इसमें हमने क्रश डाली थी और ये गाढ़ा भी हो चुका है। तो हमने जो ड्राई फ्रूट भुने थे वो इसमें हम डाल देंगे। अब इसके साथ मिलाते हुए 2 मिनट और पका लेंगे। कितना गाढ़ा से बनकर तैयार हो चुका है, ये खाने में बहुत टेस्टी है। अब ये देखिए हमें 2 मिनट हो गया ड्राई फ्रूट के साथ पकाए हुए, अब यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। ये देखिए हम इस रेसिपी को किस तरह से खा सकते हैं, चाहे तो आप इस तरह से इसके अंदर इसे डालें, थोड़ा सा ये कटा हुआ और ये इस तरह से इसमें डालें, फिर से इसके ऊपर ये डाल दे एक कोटा और, इसमें डाल दे थोड़ा सा कटा हुआ मैंगो और इस तरह से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर दें। ये देखिए हमने थोड़ी थोड़ी इस तरह से टूटी फ्रूटी और ये गुलाब की पंखुड़ी से इसे
सजा दिया है, आप इस तरह से इसे खा सकते हैं। ये भी इस तरह से खाने में बहुत मज़ा आता है। और दूसरा तरीका दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये थोड़ा ठंडा होने के बाद इस तरह से गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए सब एक दूसरे में खूब अच्छे से मिल चुका है। तो इसमें डाल देंगे हम ये मैंगो पल्प, और इसे अच्छे से मिला देंगे। ये जो रेसिपी हम जब इस तरह से बना के खाते हैं या गिलास में, जैसे मैंने अभी आपको सर्व करके दिखाया, दोनों तरीके से खाने में बहुत ही मज़ा आता है। लेकिन आप इसे ठंडा करके खाएंगे फ्रिज में तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बहुत अमेजिंग सी रेसिपी है, बहुत अच्छी लगती है ये खाने में। देखिए आप चाहे तो, आपको लगे कि हमें और मैंगो चाहिए, इसमें रिक्वायरमेंट है, तो आप एक से दो और मैंगो को पीस कर इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए हमने इसे इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसमें हम इसे थोड़ा गार्निश कर देंगे थोड़ा सा कटे हुए आम से। और इसे इस तरह से सजाकर, जिस तरह से मैं सजा रही हूँ उस तरह से सजाकर आप फ्रिज में और ठंडा होने दें, जैसे हमने इसे ठंडा करके इसमें आम मिलाया था। तो जब भी आम मिलाएं सेवई को ठंडा करके मिलाएं। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा टूटी फ्रूटी, जो खाने में भी और देखने में भी बहुत सुंदर लगती है। गुलाब की पकौड़ी, तो ये देखिए हमारा टेस्टी सा बिल्कुल बनकर तैयार है ये सेवई वाली मीठी खीर, जो आम की है, आम के साथ में बनाई हुई सेवई वाली खीर है। तो बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे फ्रिज में 3 से 4 घंटा ठंडा होने दें, फिर उसके बाद ठंडा ठंडा खाएं, बहुत ही मज़ा आता है खाने में, बहुत ही टेस्टी लगता है। ये रेसिपी और वीडियो देखने में अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस रेसिपी को आप भी बनाकर खाएं और अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं जिस तरह से 2 घंटे के बाद फैमिली के साथ एंजॉय करूँगी, आप भी बनाकर इस रेसिपी को एंजॉय करें अपने फैमिली के साथ। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।